आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको बता दें, अजमेर में पकड़ा नकली खाद्य तेल का जखीरा। परबतपुरा में नेक्सा शोरूम के पास ऑयल मिल पर चल रही कार्रवाई और अजमेर में 18,000 लीटर खाद्य तेल पकड़ा गया है। फूड सेफ्टी विभाग के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में कार्रवाई चल रही है। संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। पवन, इस कार्रवाई को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? तो अपने सहयोगी से संपर्क करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये बड़ी कार्रवाई फूड सेफ्टी विभाग की तरफ से की गई है। परबतपुरा में नेक्सा शोरूम के पास इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अजमेर में नकली खाद्य तेल का जखीरा पकड़ा गया है। 18,000 लीटर नकली खाद्य तेल पकड़ा गया है। फूड सेफ्टी विभाग की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। परबतपुरा में नेक्सा शोरूम के पास कार्रवाई हुई है। तो एक बार फिर से हमारे साथ संवाददाता पवन अटारिया जुड़ चुके हैं। पवन, इस कार्रवाई के दौरान क्या कुछ सफलता हाथ लगी है, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखिए, आज मुख्यमंत्री बजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार अजमेर के परपुरा इलाके में पार्वती ऑयल मिल पर खाद्य सुरक्षा की टीम ने छापा मारा है। यहाँ पर करीब 18,000 लीटर जो ऑयल है और है उसको लैब पर भेजा गया है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि इस फैक्ट्री में पूर्व में भी मध्य प्रदेश की टीम ने छापा मारा था, पर तेल मांगते हुए वहां का भी प्रकरण है माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। आज जैसा कि यहां पर हैरानी की बात यह है कि पार्वती ब्रांड ऑयल के कार्टून में जो पोस्टमैन पैक किया जाता है उसके मालिक जो भगवान के लंबे समय से को कार्रवाई मिल रही थी और आज जैसा कि मुख्यमंत्री बजनलाल शर्मा के पास डायरेक्ट इस मामले में पूर्व में भी कई शिकायत थी तो आज उनके सीएम के निर्देशन पर यहां पर कार्रवाई की है और बड़ी संख्या में जो तेल है जो सीज किया गया है और अलग अलग जो पोस्टर होते हैं जो लेबल होते हैं वो भी यहाँ से जब्त किए गए हैं। इस टीम में जो अधिकारी रहे हैं खाद्य आयुक्त सुरक्षा एवं ड्रग कंट्रोलर के इकबाल खान और अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने आज यहां पर संयुक्त रूप से अजमेर खाद्य सुरक्षा की टीम के साथ यहां पर दबिश दी है और हजारों लीटर यहां पर तेल सीज किया है और जो मील है उसको भी सीज किया गया है। जी ठीक है पवन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।